हाँ तो दोस्तों, ये जो पुराना टेक्सचर दिख रहा है, अभी इसके ऊपर नया टेक्सचर होने वाला है। तो अभी इसके ऊपर अपन लगाएंगे प्राइमर, फिर इसके बाद नया टेक्सचर होगा। तो ये देख सकते हैं, ये पूरी वॉल के ऊपर प्राइमर लग चुका है। तो अभी अपना ये वर्क स्टार्ट होगा, टेपिंग होगी अब। तो ये देख सकते हैं, अभी ये टेपिंग हो रही है, पूरी वॉल के ऊपर टेपिंग होगी। तो अभी आपको दिखाते हैं पूरी वॉल के ऊपर टेप होने के बाद कैसी लगेगी ये। तो ये हो चुकी है एक साइड में टेपिंग, अभी सेम ऐसी टेपिंग फिर से ऐसे में होगी और फिर इसकी होगी कटिंग। तो ये देख सकते हैं कटिंग चल रही है। तो इस प्रकार से ये कटिंग होगी पूरी पूरी वॉल की। तो देख सकते हैं इस तरीके से पूरी टेपिंग कट हो जाएगी, इस तरीके का कुछ लुक आएगा इसमें। तो ये रही अपनी बर्जर की रस्टिक रफ एंड टफ, जो कि 2 mm में ये बन चुकी है। अभी अपन इसको चढ़ाने वाले दीवार पे। तो अभी इसकी हल्की हल्की घिसाई होगी, जो भी एक्स्ट्रा निकल रहे हैं कोने वो सब कट जाएंगे। और ये देखो, ये अभी अपन ने प्राइमर डाल दिया इस पर पूरी वॉल के ऊपर, देख सकते हैं पूरा एक जैसा दिख रहा है वाइट। तो अभी इसके ऊपर अपना कलर डालेगा, देखते हैं। ये रहा अपना बर्जल का सिल्क गोल्ड। तो अभी इसको बनाया, ये बनाया, अभी अपन काम चालू करते हैं गोल्ड का शेडिंग का। तो देखो अभी शेडिंग होने के बाद कैसा लगेगा ये।